मंदसौर में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव बबरेजा सड़क भूमि पूजन करने पहुंचे तो गांव के कुछ लोगों ने मंत्री को भूमि पूजन से पहले ही घेर लिया और अपनी समस्या प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी को लेकर अवगत कराया और बताया कि पंचायत सचिव के द्वारा गड़बड़ी की गई। करीब 43 लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम हटाए गए। इनको ये बताया गया कि आप सभी के घर पर फोर व्हीलर है, आप अपात्र की श्रेणी में आते हैं। तभी मंत्री जगदीश देवड़ा ने गांव के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मौके पर नायब तहसीलदार को बुलाकर जांच कर सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, कोई व्यक्ति योजना से वंचित न रहे, इसका आदेश दिया। सहायक सचिव ने बताया कि पोर्टल मिस्टेक होने से नाम कट चुके हैं, नाम काट नहीं गए हैं। कमल दास बरागी ने बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट आई थी उसमें से हमारे 43 लोगों के नाम ये बताकर हटा दिए गए कि आपके पास कार है, जबकि रहने को घर तक नहीं, और कार तो हम जैसे लोगों का बस एक सपना ही है। सभी की मिलीभगत से ये नाम हटाए गए, जबकि जो पात्र नहीं है उनके प्रधानमंत्री आवास बन गए और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। क्या कहें, क्या समस्या आ रही थी? साहब मेरे मकान नहीं है, 2015 से मैंने आवेदन दे रहा था ना, मेरे पापा भी शांत हो गए, मेरे रहने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और मेरे अभी तक मकान नहीं है। तो मेरा मकान मतलब प्रधानमंत्री सूची में नाम आया था तो उन्होंने बोला है, मतलब उसमें लिखा हुआ आया कि मेरा फोर व्हीलर और टू व्हीलर है, तो मेरे पास तो मेरे खुद की गाड़ी भी नहीं है। आप अभी किराए के मकान में रहते हैं? हाँ, मैं अभी किराए के मकान में रह रहा हूँ। और उसके बावजूद आपके पट्टे में नाम नहीं दिया? नहीं दिया, मेरा नाम आया नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली। कमलदास बेरा जी, क्या कहें, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये थी सर कि जो प्रधानमंत्री योजना में जो लिस्ट आई थी उसमें हमारे 43 जने के नाम हटाए दिए गए, तो हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था गई तीन तारीख को, तो उसमें कोई अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं। तो हमारे विधायक जी महोदय अभी यहाँ पे बता रहे हैं, तो इनको हमने आवेदन दिया है, तो विधायक जी ने कहा है कि इनका संशोधन होगा कुछ भी, तो देखते हैं। हमारा हम अब पात्र में थे, हमको अब पात्र में कर दिया गया, तो ये किस कारण से हुआ ये हम ये जानना चाहते हैं। क्या क्या आश्वासन दिया था विधायक जी? विधायक जी ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच होगी और जो पात्र में रहेंगे उन्हीं का मकान दिया जाएगा। ये मलारगढ़ क्षेत्र में सर, बाबरेचा गांव। हाँ, गांव बाबरेचा से है ना। टोटल कितने जने? टोटल है 83 जने है। ठीक है ना। समस्या बताई जा रही है कि यहाँ पे पात्र लोगों के नाम कटे गए हैं? नहीं, वो नाम नहीं कटे, वो पोर्टल मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हुए। वो जब भी पोर्टल चलेगा वापस रिकवर हो जाएगा। वो पोर्टल टेक्निकल इशू है, नाम नहीं कटे, टेक्निकल इशू के कारण हुआ है वो सिस्टम। कलेक्टर साहब को भी इनने ज्ञापन दिया था जन सुनवाई, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। वो तो सर ग्राम पंचायत टेक्निकल ग्राम पंचायत से कोई इसका इशू नहीं है, और ये पोर्टल का इशू है, पोर्टल से नाम ये जो भी टेक्निकल इशू के कारण हुए वो फिर सिस्टम में फिर वापस जब भी होगा सिस्टम चलेगा। आपका नाम और पद? समरताना साहब, ग्राम पंचायत बाबरी। मंदसौर से पीडी बरागी की रिपोर्ट।